सो या हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं कल टिनटिन का एपिसोड नंबर 1 लेके आऊँगा, तो गाइस जैसे कि मैंने बोला, मैं आ चुका हूँ एपिसोड नंबर 1 लेके। गाइस, म्यूज़िक काफ़ी लिटरली मेरे को अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक से एक एडवेंचर गेम की और एक भाई स्टोरी वाले गेम की और एक कहते नहीं यार सस्पेंस क्रिएट करने वाले गेम की मेरे को झलक लग रही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड प्रेस करने के बाद उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि कल मैं जो भी अपलोड करूँगा एपिसोड्स एंड उसके जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास ईजिली आ जाए। और वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो का जो लिंक है वो उसको गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ जुड़ पाए। उसको गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड मिलते हैं आपसे एपिसोड के अंदर। ओके सो गाइस, अपना एपिसोड हो चुका है स्टार्ट एंड अपने को करना क्या होगा वेट देख लेते हैं क्या करना होगा। वेट, यहाँ पे एक शिप बताई गई है अपने को एंड ये एक भाई एक मिनिएचर शिप है, ठीक है, ये एक मॉडल है शिप का। भाई वो पीछे कौन बंदा है? सो भाई सब कुछ पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं ये लोग आई थिंक। ठीक है, तो पहले इसको सुन लेते हैं फिर मैं मेरी बताऊंगा। Terrific on my living room table. A nice purchase, sir. I hope you enjoy it. Please, young boy, take your hands off my property. Okay, so guys, अपनों ने I think ये ship खरीद ली है और ये बंदा आके बोल रहा है कि ये ship छोड़ दो, ये मेरी property है। Acquired this ship a couple of minutes ago. Well, I think कुछ ऐसा ही सीन है। Gentlemen will accept my very generous offer. No. But you haven't heard but my ये जो चाचा जिन्होंने अपने को ये शिप बेची है वो बोल रहे हैं नहीं भाई ये इस बच्चे की है, इसने खरीद लिया है। Alright. Maybe next time I will be more fortunate. Good afternoon, Mr. Tintin. Who is that man? Okay, so guys, उसको आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड उसने अपने को ऐसे ही रोक लिया, बट अपनों ने ये शिप खरीद ली है। यहाँ तक अपने को समझ में आ चुका है एंड ये अपनी शिप है, ठीक है। He is rich, they say. He bought old Marlin Spike Hall. I've heard he's restoring it. Well, perhaps this lesson has taught him that there are some things that money can't buy. Thanks, and good day to you. And a good day to you too, boy. Okay, so chacha se baat ho gayi and ship ka kaam pura hua. Oh, wait. Ye kya ho gaya bhai? I think apne ship ko hi अपने से मार के ले गया। Hey, where's the ship? ठीक है। Guys, अपनी ship चोरी हो चुकी है। पता नहीं कौन था बट वो ship ले गया। ये क्या है? Map का टुकड़ा है क्या पास में? What's this, Snowy? दूसरी फोटो भी हाँ इसके अंदर देखो ये मैप का टुकड़ा है मेरे को कुछ। But I don't have a clue what this is. तो कोई मैप वगैरह ही है ये? Stop! Stop! I would even say halt! भाई ये लोग कौन है? Everybody, don't move. You are under arrest for pickpocketing. For premeditated pickpocketing. तो ये पुलिस वाले लोग हैं एंड ये अपने को अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं यार ऐसा नहीं है। ये उस पॉकेट मार को अरेस्ट कर रहे थे जिन्होंने अपनी शिप को उड़ाया है, ठीक है। और भाई वो तो चले गए एंड ये आई थिंक अपने को जानते हैं। ठीक है। Well, I have been robbed, but the thief has stolen a miniature ship. इनको अपनों ने बोल दिया कि अपनी शिप भी चोरी हो चुकी है और वो बंदा अपनी शिप भी लेके भाग चुका है। I think यहाँ तक तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है मेरे ख्याल से। Right, Snowy. Maybe we should pay a visit to Mr. Saccharin in Marlin Spike Hall and gather some clues. ठीक है। Okay, so I think ये कुछ यहाँ तक ही था। And guys, उस बंदे ने मेरे को बताया है कि
सॉरी उस बंदे ने नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो वो बंदा अपने को मतलब कि शिप लेते टाइम रोक रहा था, आई थिंक उसी ने ही कोई कांड करवाया है, ठीक है, एंड वो ही इन सब के पीछे हो सकता है। मे भी शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, पता नहीं। तो अपने गाइज आई थिंक उसी के घर पे आए हैं, उसी के घर पे अपने देखेंगे अपनी शिप को। अगर अपने को मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने चले जाएंगे। ओके सो यूज़ द डीपैड टू मूव। ओके सो इससे मूव होता है। गाइस बटन्स काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के हैं इसके। गाड़ी भी काफ़ी यार मतलब कि ओल्ड फैशन की है। गाइस आपने टिनटिन के मतलब कि जो मूवीज़ वगैरह थी वो देखी हैं? नहीं देखी, मेरे को नहीं पता है, मैंने नहीं देखी है लिटरली, सही बताऊँ तो मैं पहली बार ही ऐसे ही गेम ही ट्राई कर रहा हूँ। भाई जाना किस साइड है? वेट, मैं डोर किस साइड जाता हूँ ना, वे पहले इस साइड चलते हैं। ये आई थिंक कोई सीक्रेट वे है अंदर जाने का, बट अपने इसको ओपन नहीं कर सकते हैं ना अभी, तो अपने पहले गेट को ही ओपन कर लेते हैं एंड गेट से ही चले जाते हैं। बट यार अपने यार अंदर छुपते छुपाते जाना है, बट गेट पे तो अपने जा नहीं सकते, वे गेट का ऑप्शन आ रहा है। खैर सो गाइस गेट नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, गेट ओपन नहीं हो रहा है, एंड अपने को एक दूसरा रास्ता ढूंढना है जो कि ये यही है, ठीक है। सो इसको अब अपने ओपन कर सकते हैं, सो इसको ओपन करते हैं एंड फिर चलते हैं अंदर। ओके सो गाइस फाइनली मैंने सारी लकड़ियां हटा दी हैं एंड अब मैं आ चुका हूँ इस बंदे के अपार्टमेंट के अंदर। एंड ये जो भाई बटन आया है इससे अपने दौड़ सकते हैं फुल तेजी से। भाई बटन्स काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के हैं इसके, ठीक है। स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होगी मे बी शायद इसकी, तो वो देख लेंगे कितनी अच्छी होगी। ओके सो इस डोर को भी ओपन कर लिया अपनों ने एंड अब चलते हैं भागते हुए आगे। सो इस साइड चलते हैं पहले। गाइस आपको ये ऊपर की साइड जो कॉइंस दिख रहे होंगे अपने को ये पूरे कलेक्ट करने हैं, और उससे पता नहीं कोई रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है, बट ये कलेक्ट करने हैं अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं कर लेंगे। ओके सो इसको हटाना पड़ेगा अपने को, धक्का मार के हटाते हैं, वेट इसको हट जा भाई हट जा। ओके सो गाइस फाइनली इसको अपने हटा दिया है। वेट ये ओ गाइस यहाँ पे एक मधुमक्खियों का छत्ता था एंड वो सारी मधुमक्खियाँ अपने पीछे पड़ चुकी हैं। ओके तो अपने को अभी भागना पड़ेगा, बहुत तेजी से भागते हैं अपने एंड इनसे बचने के लिए अपने को वाटर ओके सो पानी ढूंढना पड़ेगा। गाइस अपनी हेल्थ भी काफ़ी जा रही है, ठीक है, सो यहाँ पे अपने को पानी भी मिल चुका है काफ़ी इजीली एंड अपनी मधुमक्खियाँ पीछे से हट चुकी हैं। सो अब चलते हैं थोड़ा आगे एंड और एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को, क्या कुछ है यहाँ पे। वेट यहाँ पे आगे एक पेड़ गिरा हुआ है एंड आप ठीक है इसके ऊपर से अपने को जाना पड़ेगा एंड पेड़ काफ़ी कमज़ोर है तो अपने को बिल्कुल क्राउच करके फिर जाना पड़ेगा, मतलब बैठ करके, ठीक है। और ये भाई इसका बटन काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो अपने इस साइड आ चुके हैं एंड आई थिंक अपने पास ही में ही हैं। फिर तो कुछ सिनेमैटिक्स आए हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक कुत्ता है जिसको बांधा नहीं गया है एंड वो खुला बैठा, ठीक है। सो आई थिंक इससे अपने को बचना पड़ेगा एंड फिर अंदर जाना पड़ेगा एंड ये रास्ते के बीच में बैठा है। शायद अपने इससे उसका ध्यान भटका देंगे स्कैन से, चलो देखते हैं। ओके तो पहले अपने ओके तो इसके ऊपर मारते हैं। ओके भाई एक चूहा निकला, कोई बात नहीं, किस गाड़ी पे भी मार दिया एंड उस फाउंटेन जो भी था उसको भी मार दिया है एंड कुत्ता वहाँ पे चला गया, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने जल्दी से जल्दी भागते हुए।
कुत्ते के पास से निकलेंगे। ओके ओके, क्राउच करके ओके से एक और सिनेमैटिक्स। वेट, यहाँ से कोई निकला है? मे बी शायद ये कोई वर्कर होगा इस हाउस के अंदर काम करने वाला, एंड ये उस कुत्ते को बोला भाई भौंकना बंद कर, ठीक है? और ये कुत्ता यहाँ पे आके बैठ चुका है भाई। कुत्ता देख रहे हो, इतना बड़ा घर है बट कुत्ता देखो यार क्या ही मरा पड़ा है। ओके सो गाइस, कुत्ते ने अपने को देख लिया, सूंघ लिया, एंड ये अपने पीछे आ चुका है, एंड भाई अपने हेल्प हेल्प कर रहे हैं। अपना कुत्ता आएगा क्या? वेट, अपना कुत्ता जाएगा गाइस, अपना कुत्ता जाएगा। पता नहीं इसका नाम क्या है बट ये जाएगा, ठीक है, अपने को बचाने जाएगा। एंड इसको गाइस अपने ही कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को कुत्ता कंट्रोल करने में। एंड जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने खुद के पास। वेट, आई थिंक अपने केव्स के अंदर से जाएंगे, जहाँ से अपने गए थे वहाँ से ये कुत्ता नहीं जाएगा, ठीक है, एंड ये इस केव के अंदर से जाएगा। गाइज अपने क्यों नहीं गए इसके अंदर से? आई थिंक ये छोटी है ना इसलिए। सो जल्दी से जल्दी चलते हैं भागते हुए अपने खुद के पास, एंड खुद की हेल्प करते हैं कुत्ते के ज़रिए। गाइज कुत्ता भी कम नहीं होता, ठीक है। सो आई थिंक अपने पहुंच चुके हैं। ओके सो गाइज, ये कुत्ता डरने लग गया सच्ची में यार, क्या ही मतलब कि यार इतने से कुत्ते से डरने लग गया। ओ भाई अब इसको अकल है भाई, ये तो कुछ नहीं है बस। चलो कोई बात नहीं। ओके सो आई थिंक इसको ठीक है, इसको उठा लिया, एंड अब चलते हैं भाग के यहाँ से, एंड फिर कोई ढंग का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इससे बचना पड़ेगा अपने को, इससे बचना पड़ेगा, ये अपने को काटेगा आज भाई, ये काटने वाला है आज अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्या था भाई, गड्ढा था क्या? ओके गाइस, अब गाइस थोड़ा सा मतलब कि काम मेरे को लगता है टेढ़ा होगा, बट कुत्ता ज़्यादा बोल रहा था, ये बोल रहा है कि ये कुत्ता ज़्यादा बोल रहा है, इसको बड़ा मजा आता है। फिर गाइस अपना कुत्ता डर चुका है पूरी गंदी तरीके से। ओके गाइस, इस कुत्ते के साथ बिल्कुल मतलब मजाक सा हो गया, एंड इसके सर के ऊपर बाल्टी गिर चुकी है। ओके सो उससे तो आई थिंक पीछा छूट चुका है, अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। सो आगे यार रास्ता, वेट चुका। ओ गाइस, उस कुत्ते से तो कैसे मतलब कि यार लड़ने को तैयार था, एंड यहाँ पे एक चूहे से डर रहा है। वेट, इस रस्सी काटते हैं ना इसकी। सो इसकी रस्सी काटने से चूहा भाग जाएगा यार, ठीक है। सो गाइस तीन तीन चूहे भाई, तीन तीन चूहे, ठीक है, एंड यहाँ पे आ चुका है। सो इसकी रस्सी काट देते हैं। वेट, अब ये कहाँ पे आए हैं? फिर अभी ये इसके अंदर चले गए हैं, कोई बात नहीं। सो गाइस अब ये आई थिंक भाग चुके हैं, एंड भाग के ये इन डब्बों के अंदर चले गए भाई साहब। तो कोई बात नहीं, इसको भी गिरा देते हैं। सो अब मे भी ये भाग चुके होंगे, तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। ओके सो अपने को घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, जो कि आई थिंक काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि यार मेन एंट्रेंस पे तो यार वो कुत्ता भी बैठा है, और वो बुड्ढा भी है जो काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सीढ़ियाँ मिली हैं जो कि ऊपर तक नहीं जाती, बट वेट आई थिंक अभी अपने को क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, जहाँ तक मैं सही हूँ। ओके सो जल्दी से जल्दी चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर, एंड वहाँ से क्लाइंबिंग शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, ये बुड्ढा यहीं पे बैठा है खिड़की के पास यार, ये तो उस सेट था ना। वेट, यहाँ से ओके भाई पीछे चला जा, पीछे चला जा। ओ वेट गाइस, मैं फिर से उसी साइड आ चुका हूँ। ओ भाई साहब, उस बुड्ढे ने मेरे को देख लिया। ओके सो गाइस, फाइनली दो तीन अटेम्प्ट के बाद
फिर से आ चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड इस बार तो गाइस इसको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। इस बार इसको कंप्लीट करना है मेरे को गाइस। ये बुढ़ा यहाँ से देख लेता है, यहाँ से मैं निकलता हूँ, आगे चल के खिड़की पे से देख लेता है, ठीक है। तो इस बार भाई यहाँ से भी बिल्कुल केयरफुली जाना है। एंड ये यहाँ पे भी आ चुका है, तो यहाँ से पीछे मुड़ेगा जैसे ही मैं आगे चला जाऊँगा। वेट पीछे, वेट, ये फिर से आगे, फिर से आगे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से। ओके सब चलते हैं गाइस, फिर से आ चुका है ये। गाइस थोड़ा सा पीछे चल के फिर चलते हैं। गाइस मेरे को नहीं पता कि इस बार होगा कि नहीं होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो, ठीक है। यहाँ से इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये जो एनालॉग है यार, इसको कंट्रोल करना, और डी पैड है सॉरी, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ, ये पीछे हुआ जा रहा है, मैं पीछे कर रहा हूँ ये आगे हुआ जा रहा है, भाई क्या ही गलत सीन है। अब देखो मैं आगे कर रहा, ये पीछे हो रहा था। वेट 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 का इससे मैं आगे आ चुका हूँ, फाइनली मैं आगे आ चुका हूँ। यहाँ से मेरे को जाना है ऊपर, सो ऊपर जाके मेरे को लेफ्ट में, सॉरी राइट में जाना है। यहाँ से राइट में चलते हैं थोड़ा सा, देख रहे हो वेट, ये यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे को नीचे जाके फिर राइट में जाना है। ओके सब चलते हैं, हम चलते हैं। वेट ये फिर से आएगा, ये फिर से आ चुका है। अब की बार ये जाएगा ना अपने सीधे के सीधे नीचे जाएंगे, नीचे से फिर ऊपर जाएंगे। जल्दी। ओके सो फाइनली गाइज अपने आ चुके हैं, बट वेट यार अभी पूरा नहीं हुआ है। ओ शिट, वेट, रुक यार रुक, ऊपर चलना है। ये देखो अगर मैं पहले करता तो मैं यहाँ पे पकड़ा जाता, ठीक है। अब अपने को चलना है ऊपर, सो पाइप के रास्ते से चलेंगे। वेट पाइप पकड़ ले भाई, पाइप पकड़ ले भाई, नीचे मत जा यार भाई। कुछ गेटिंग ओवर इट की तरह क्यों लग रहा है मेरे को, यहाँ से जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे वापस ना जाना पड़ जाए। तो बिल्कुल ध्यान से चलते हैं, साथ में सिक्के कलेक्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ से अपने को चलना है लेफ्ट में। ओके वेट, ये भाई साहब ये उल्लू बैठा है यहाँ पे, उल्लू यार किसको क्या बताएगा, चलते हैं ना। उल्लू नहीं बताएगा किसी को, चलते हैं। बट यार हो भी सकता है किसी को बता दे ये, कहाँ से जाया जाए यार। नीचे जा नहीं सकते, ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर कुछ है नहीं। गाइस उल्लू ने मेरे को देख लिया, एंड गाइस नीचे जाने का रास्ता है नहीं, तो अपने को जाना पड़ेगा ऊपर। तो ऊपर यार वेट, ऊपर की साइड मेरे को यार वो कुछ लग रही है वहाँ पे, कुछ लकड़ी के पीसेस लगा तो रखे हैं, कुछ रेड कलर के, देख रहे हो आप। फाइनली गाइज अपने यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ से अपने चलते हैं लेफ्ट में। मे भी अपने अब उल्लू की नज़रों में नहीं आएंगे, सब चलते हैं नीचे। सब चलते हैं, ओ वेट गाइज अभी मेरे को उल्लू देख लेता, बट नहीं देखा उसने, ठीक है, बच के अपने उसने नहीं देखा। ओके सो फाइनली गाइज अपने घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। गुड हेवंस, ओ वेट गाइस अभी पास में वही बुड्ढा बैठ सोया पड़ा है, एंड पास ही में उल्लू है। गाइस काफ़ी मतलब शांति से मैंने यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा उठ गया ना भाई। ओ वेट गाइस यहाँ पे एक और कुत्ता सोया पड़ा है भाई, दो सोए पड़े हैं यार, मार डालेंगे ये तो मेरे को अगर उठ गया तो। बिल्कुल धीरे से, कुछ गिरे ना भाई, सब क्या ही किताबें रख रखी है इस बंदे ने, इतना पढ़ता है क्या ये, पता नहीं यार। गाइस यहाँ पे एक और कुत्ता बैठा, ठीक है, बिल्कुल यार बीच में से निकलेंगे इनके। कुछ भी गिरना नहीं चाहिए, कुछ भी गिरा तो यार ये सब के सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। फाइनली अपने बाहर आ चुके हैं इसके रूम से। ओके सो गाइस अब जाके चैन की सांस आई है, एंड अब अपने को वेट सामने से चलते हैं ना,
बिल्कुल आराम से, क्योंकि गाइस एक वो भुट्टा है ना गाइस, वो अभी भी जाग रहा है इस घर के अंदर। एंड गाइस उससे बिल्कुल बचना है अपने को। और वो डोर क्या मैं ओपन कर सकता हूँ? नहीं, वो नहीं ओपन कर सकता। एंड अपने को नीचे ही जाना पड़ेगा, तो यहीं से चलते हैं नीचे। ओके सो गाइस, आपको गेम प्ले कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। गाइस मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस ये तो फर्स्ट लेवल है इसका, फर्स्ट मिशन, ठीक है, अपनी मिनिएचर शिप का पता लेने के लिए भाई अपने इसके घर के अंदर चोरी छुपे घुसाए हैं, ठीक है। और आगे चल के तो भाई बहुत कुछ होगा, बट वेट, ये रहा गाइस वो काम करने वाला जिससे अपने बच रहे थे। गाइस ये यहीं पे है, ठीक है। ओके सो इसके पास है एक चाबी, तो आई थिंक अपने को ये चाबी ही लेनी पड़ेगी। ओके सो वो डोर ओपन करने के लिए अपने को एक चाबी चाहिए जिसके अंदर वो मिनिएचर शिप रखी है, ठीक है। ओके गाइस क्या ही मतलब कि यार काम से तंग आया हुआ बंदा लग रहा है मेरे को, सामान गिराया जा रहा है। गाइस देख रहे हो ये भी अभी गिरा देता है ये। गाइस बिल्कुल आराम से देख ना ले हमें ये, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो क्या ही मतलब कि यार सस्ते नशे कर रखे हैं यार इस बंदे ने, देख रहे हो भाई यार सामान गिराया जा रहा है, ये फिर से गिरे, ये देखो भाई दिखाई नहीं दे रहा है अपने को कुछ भी। गाइस फाइनली ये सामान गिराते गिराते इस बंदे ने चाबी भी गिरा दी है, ठीक है, अपने को चाबी मिल चुकी है। एंड सामने वाला जो डोर है उसी के अंदर में भी अपनी शिप हो सकती है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल शांति से चलते हैं अपनी शिप के पास। बट ये क्या है उसको भी ले लेते हैं, अपने कलेक्ट कर लेते हैं। ओके सो ये पजल्स के कुछ टुकड़े थे वो अपने ने कलेक्ट कर लिए हैं। एंड अब चलते हैं अंदर की साइड। ओके सो फाइनली गाइज यही वो शिप है, मे भी शायद तक अपने सही हैं, अपनों ने शिप ढूंढ ली है। वेट गाइस वो अंकल फिर से आ चुका है गाइस, उसको पता चल चुका है अपने यहाँ पे हैं। और भाई उस बंदे ने अपने सर में दे मारा एक, पता नहीं क्या मारा, पता मार दिया, ठीक है। उसने अपने को पकड़ लिया है, बट यार अपने को पता चल चुका है कि अपनी शिप यहीं पे है, ठीक है। गाइस ये भी आ चुका है यहाँ पे उठ के। It is good to see you again, Mr. Tin. तो इसको सुन लेते हैं पहले, फिर मैं मेरी सुनाऊंगा। Easier to ring the bell for the front door, don't you think? Have you reconsidered your position with regards to the miniature ship? I am not used to being polite to criminals, Mr. Saccharin, and I'm here to recover my ship. Criminal? That is a weighty accusation. Do you have any evidence to support your claim? How can you deny stealing my ship when it is right there? By your confused explanations, I deduce that your ship has been stolen by someone, hasn't it? Guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ship नहीं है, and ये original है जो अपने पास थी, वो duplicate थी, and इसीलिए ये बंदा अपने पास आया था उस time. जिस टाइम अपने शिप को बाय कर रहे थे एंड इसने रोका था कि ये तो मेरी है, तो इसकी शिप भाई यहीं पे है एंड अपनी शिप ये नहीं है। सो अपनों ने यार गलती कर ली, इसके घर में आके कुछ नहीं मिला, बट ये बोल रहा है कोई बात नहीं, आपको तसल्ली हो गई है तो अब जाओ यहाँ से। बट यार अपनी शिप लेके कौन गया पता नहीं यार, शक्ति यार इसी के ऊपर था अपने को। बट यार उस टाइम भी यार मेरे को ये बंदा सही लग रहा था, फिर गाइस इसी के ऊपर ही सारा शक गया। एंड अभी भी मेरे को इसके ऊपर पूरा यकीन नहीं है कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है अपने से। सो गाइस ये नौकर अपने को बाहर तक छोड़ने के लिए आया है। सो गाइस अपनी शिप कहाँ पे होगी यार? यार ये बंदा कुछ छुपा रहा है यार अपने से, मानो या ना मानो
कुछ तो यार मिसिंग था। That was not my ship, Snowy. I know that for sure. But Saccharin has something to do with this. Maybe the butler's words. चलो कोई बात नहीं यार, ढूंढ लेंगे। ship ही है, बस छोटी सी मिनीचर ship है, ढूंढ लेंगे उसको। Maybe after a good night's sleep, we will see things more clearly. Okay, so यहाँ पे ये लोग कौन है? ये पुलिस वाले हैं ना? We'll go to the news office and see if they have any information on Saccharin. Important. Don't forget the name, the unicorn. We have to go to the library to see if there's any information about it. Oh, oof. I'm so sorry. I didn't see you. Okay, so guys, ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं, एंड इस बंदे ने मेरा पर्स मार लिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। पर्स मारा है या वो मैप का टुकड़ा जो अपनों को वहाँ पे मिला था? गाइस, वो टुकड़ा भी तो पर्स में ही था। तो गाइस, ये बंदा, ओके ओके गाइस, जब अपनी शिप चोरी हुई थी एंड जिस बंदे ने चोरी की थी उसने वहाँ पे एक मैप का टुकड़ा छोड़ दिया था। एंड गाइस, ये बंदा फिर से आया है अपने पास, एंड इस बार गाइस ये मैप का टुकड़ा वापस लेके जाएगा। एंड यही वो बंदा है जिसने अपनी शिप चुराई थी, बट अपने को पता नहीं है गाइस, अपने को पता नहीं है, अभी इसको नहीं जानते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे भाई तेरे को, पकड़ लेंगे। वेट गाइस, दूसरी फोटो के अंदर अपने पीछे कौन है, अपने को भाई कौन पकड़ रहा है? वेट, पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। गाइस, ये तो वही बंदा ना जिसने मतलब कि यार अपनी शिप चुराई थी। देखो, वही कपड़े हैं, आई थिंक वही है ये बंदा। ओके, सो आई थिंक अब अपने कुछ नेक्स्ट लोकेशन या अलग अलग जगह पे आ चुके हैं। मे भी शायद तक ये एक शिप होगी, बड़ी शिप। ठीक है, एंड ये बंदा गाइस, ये तो वही बंदा है जो जिसके घर में अपने गए थे। गाइस, अब मेरा शक बिल्कुल सही हो चुका है, अपनी शिप के पीछे गाइस इस बंदे का हाथ था, है और रहेगा। ठीक है गाइस, ये बंदा अपनी शिप देगा, कैसे देगा पता नहीं, बट यही देगा। ठीक है, काफी यार, मतलब कि यार इस बंदे ने अपने को उलझाया है, मानना पड़ेगा यार, इस बंदे ने जो उलझाया ना अपने। ठीक है, अपने को यहाँ पे बांध दिया है इन लोगों ने। भाई, हाथ पैर तो खोल जाते। ओके, सो ये आई थिंक कोई शिप है जिसके अंदर अभी अपने हैं। ओके, सो गाइस, अपना कुत्ता भी यहीं पे है, चलो अच्छी बात है, ये अपने हाथ पैर खोल देगा। चलो बढ़िया हुआ गाइस, ये अपने पीछे पीछे आ गया यहाँ पे। ओके, सो फाइनली गाइस, अपने हाथ पैर खुल चुके हैं। तो आई थिंक यार आज के लिए इतना बहुत होगा, काफ़ी लंबा हो चुका है एपिसोड। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो बता के जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दो कल आने वाले एपिसोड के लिए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे कल एपिसोड के अंदर।